आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे के वार्ड नंबर 13 में वार्ड वासियों के घर के आगे नाली निर्माण नहीं होने से वार्ड वासी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया के माध्यम से मुद्दा भी उठाया गया। वार्ड वासी ने शिविर में उपखंड अधिकारी राम अवतार मीना को वार्ड की समस्या के बारे में अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी ने समस्याओं के हल के लिए डग विकास अधिकारी व तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया को वार्ड नंबर 13 का मौका मुआयना करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं विकास अधिकारी व तहसीलदार ने वार्ड वासियों की समस्या सुनी। उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्राम सचिव हरीश शर्मा कौनौली निर्माण में बाधा बन रहे मकानों के सामने बने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस मकान मालिक को देने के निर्देश दिए व शीघ्र नाली निर्माण के निर्देश दिए। वहीं मोहल्ले वासियों हैंडपंप व सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी अधिकारियों को दिखाया, जिस पर तहसीलदार ने पटवारी से जाँच के बाद हटवाने की कार्यवाही का आश्वासन दिया। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। उसके लेकर क्या होगा? वार्ड नंबर 13 में कुछ महिलाएं वहां पर आई थी, तो हमने कहा कि मौका देखेंगे, तो मौका देखने यहां आए तो पता चला कि यहां पर इसमें एक तो सीमा का विवाद हल्का सा है कि क्षेत्र जो है वो पंचायत तलावली का भी आता है और बेसिक जो सुविधाएं हैं वो ग्राम पंचायत चौमेला उपलब्ध कराती है, परंतु कुछ मकान यहां पर ऐसे हैं जो लगभग वैसे जितने भी बने हुए हैं उन सभी मकानों में नाली किसी पर भी नहीं बनी हुई है। तो मूल रूप से तहसीलदार जी पटवारी जी सब ने हमने जब देखा तो ये निष्कर्ष निकला है कि भाई जो मकान के बाहर जिन्होंने भी अपने बाहर ठीये बना रखे हैं उन सबको तोड़कर दोनों तरफ नालियां बनाई जावे, उससे सारा पानी जो है अपने आप ही बाहर निकल जाएगा और अंतिम छोर पर जहाँ पहुँचेगा तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी और मूल जो मुख्य जो गली है उसमें पानी का समाधान एक ही मात्र उपाय है। तो इसमें 3 दिन का नोटिस भी दे दिया है टंकी वालों को कि भाई ये अपने आप या तो इनको हटा लें जिससे कि कोई नुकसान नहीं हो, अन्यथा फिर जो है प्रशासनिक तरीके से वो सब हटाया जाएगा और नाले निर्माण का कार्य।